बाइबल पाठ है रोमियो 8:12-16, जहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। शारीरिक विचारों में वो जो अनजाने में उत्पन्न होते हैं स्वयं के धार्मिक तौर रूपरेखाओं से, वे शारीरिक विचार होते हैं जो शरीर की कमियों से उत्पन्न होते हैं। लोग अपने जीवन में शारीरिक वृद्धि और परिपक्वता के दौरान अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, और प्रत्येक चरण में अवश्य ही उन्हें अनुभव करना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए अपने घरों में या चीजों में किसी कामों को करने का। शरीर की कमियां उन प्रशिक्षण और अनुभवों की कमियां होती हैं, और इस प्रकार की कमियां यहां तक कि उनकी परिपक्वता में भी हो सकती हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वे लोग जो दूसरों को सुनने में अच्छे से प्रशिक्षित नहीं होते हैं, हो सकता है वो दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे सकें, यहाँ तक कि जब वे बड़े भी हो जाते हैं। जब आप दूसरों से बातचीत करते हैं, आपको उन्हें अंत तक सुनना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए। यहाँ तक कि मुझसे भी बातचीत के दौरान बहुत से लोग बीच में ही मेरी बातों को रोक देते हैं, ये कहते हुए कि सीनियर पास्टर ये ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे अंत तक सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, लेकिन वो बीच में ही रोक देते हैं और मुझ पर दोष लगाते हैं। सीनियर पास्टर ये ऐसा नहीं है, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आप अंत तक सुने और जो मेरा कहने का मतलब होगा वो बिल्कुल अलग होगा जो वो सोचते हैं। लेकिन वो गलती से ऐसा सोच बैठते हैं कि वो पहले से जानते हैं, वो बड़ी तेजी से दोष लगाते हैं। बिल्कुल, अगर वो जानते भी है तो भी उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए फिर बोलना चाहिए, और किसी वरिष्ठ को बीच में ही बोलने से रोक देना ऐसा नहीं होना चाहिए जब वो बात कर रहा हो। यह भी शरीर की कमी है। आप अंत तक सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। यदि आप बीच में रोकेंगे तो आप बहुत सी गलतियां करेंगे। आप गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा न्याय कर रहे हैं तो संभावना यह है कि आप गलत है। अगर आप इन चीजों को भी बदल देंगे एक एक करके, तो आपके लिए आत्मा में आना ये अच्छा होगा और परमेश्वर की दृष्टि में भी अच्छा होगा। मान लीजिए आपने कहा कि पिता ये सही नहीं है, जब पिता परमेश्वर बात कर रहे हो तो क्या यह ग्रहण योग्य होगा? नहीं होगा, ये बहुत असभ्य होगा, ये ग्रहण योग्य नहीं होगा। मूसा इस वक्त इसराइलियों को परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि पापों को दूर कीजिए, आप कनान देश में नहीं जा पाएंगे अपने पापों के द्वारा। और इस वक्त कोई कहता है कि मूसा भविष्यद्वक्ता, पिछली बार भी तो आपने ये संदेश दिया था, आपने बहुत बार ये संदेश दे दिया है, क्या ये उचित होगा? बिल्कुल नहीं, आपको अंत तक सुनना चाहिए, और इसे भी बढ़कर यह परमेश्वर का वचन है, बेशक हमें अंत तक सुनना चाहिए। आपके घर में भी ऐसा ही है, जब आपके पिता बात करते हैं तो बच्चों को अंत तक सुनना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। आपकी माँ के साथ भी ऐसा ही है, मम्मी ये गलत है, अगर आप इस तरह से अपनी मम्मी के साथ करेंगे तो ये असभ्य है, आप बहुत असभ्य है। इसलिए इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़े ही उदाहरण दिए हैं कि आप एहसास करें कि शरीर की कमियां क्या है। अगर आप इन चीजों को भी ढूंढे, एक एक करके दूर करें, तो आप सब कुछ कुछ ही महीनों में दूर कर सकते हैं। कुछ ही महीनों में आप ऐसा करें तो आप एक नए व्यक्ति बन जाएगी, नई रचना बन जाएगी, पुराना दूर हो जाएगा, नया आप में आ जाएगा। क्यों एक अच्छी पत्नी बनना क्यों इतना मुश्किल है? आप अच्छी पत्नी बनी तो आपके पति आपसे बहुत प्रेम करेंगे। आपके पति की पिछली दुर्भावनाएं दूर हो जाएगी, वो ऐसा होगा जैसे मेरी पत्नी बहुत अधिक बदल गई है, वो कितनी प्रिय है, वो मानमिन चर्च में जा रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप कहीं और मत जाइए, मानमिन चर्च में जाइए, आपको ऐसे बनना है। लेकिन एक अच्छी पत्नी बनने के बजाय आप में से कुछ सीनियर पास्टर के फोटो को
अपने घर में कहीं पर लगा देते हैं अनुग्रह प्राप्त करने के बाद, बावजूद इसके कि आपके जो पति हैं वो अविश्वासी हैं। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके ऊपर सताव हो। मुझे याद है एक पति पत्नी जिसे हाल ही में मैं मिला था, उस पत्नी ने अनुग्रह पाने के बाद मेरी फोटो को अपने घर पर लगाया और उसका पति उसके इस व्यवहार को नहीं समझ पाया, और यह हमारे चर्च में पंजीकरण कराने से पहले की बात है। वो एक ऐसे व्यक्ति का फोटो अपने घर पर लगाती हैं जिसे यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं जानता था। उसका पति उसके व्यवहार को कितना समझता है, लेकिन उसका पति ऐसा लग रहा था कि वो भले हृदय का व्यक्ति है। उसने सिर्फ उसे समझा, उस बात के लिए उस पर सताव नहीं किया, और उसके बाद ही उसे अगुवाई प्राप्त हुई कि वो चर्च आ सकें। फिर उसने एहसास किया कि हाँ, इसीलिए मेरी पत्नी ने सीनियर पास्टर के फोटो को पसंद किया और मेरे घर पर लगाया। उसका पति भले हृदय का व्यक्ति था, अन्यथा वो उसे कहता कि वो फोटो को निकाल दें जलन के कारण, और या उसे फाड़ देता और उस पर सताव करता। ऐसी पत्नी अच्छी पत्नी नहीं है। यद्यपि आप अपने सीनियर पास्टर के फोटो को पसंद करते हैं, तो भी आपको अपने पति का ध्यान रखना है, और जब तक आपके पति में विश्वास ना हो इंतजार करना है। फिर आप अपने पति को सुझाव दे सकते हैं कि हमारे सीनियर पास्टर के फोटो में आत्मिक ज्योति है और परमेश्वर हमें और अधिक सुरक्षा देगा, इसलिए क्यों ना हम इसे दीवार पर लगाएं। फिर आप उसे दीवार पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल फोटो यहाँ वहाँ घर में लगाएं बिना अपने पति से बात किए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पति के पास विश्वास है लेकिन उसे बुरा लग सकता है, तो फिर आप अच्छी पत्नी की योग्य नहीं। यदि आप इन हर एक छोटी छोटी बातों को बदल डालें, तो आपके परिवार में आसानी से सुसमाचार का प्रचार होगा और आपके पति वो फिर मुझे नापसंद नहीं करेंगे यदि भी मैं इस तरह के संदेश का प्रचार भी करूँ। यह कमी उनके जीवन और विश्वास दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, और वे प्रचार और संदेशों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं सेमिनार में। शायद वो दूसरों को सावधानी से नहीं सुन पाते हैं बातचीत के दौरान, और एक कार्यकर्ता के मामले में हो सकता है कि वो अपने बॉस की बातों पर सावधानी से ध्यान न दे पाए कि उनका बॉस क्या कह रहा है, और वो फिर गलती करते हैं। स्पष्ट तौर पर वो आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन वो इस तरह से होते हैं कि आपने क्या कहा मैं याद नहीं रख पाया, क्योंकि वो आपको ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, या फिर तमाम प्रकार के विचारों के साथ वो आपको सुनते हैं। कभी कभार मैं भी ऐसा ही दिखता हूँ जब मैं आपसे बातचीत करता हूँ। आपको निराशा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सावधानी से नहीं सुन रहा। यद्यपि मैं सावधानी से आपको सुनता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि आप कह क्या रहे हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ऊंची आवाज में बोलिए। और फिर आप ऊंची आवाज में बोलते हैं थोड़ी सी बातें, और उसके बाद फिर से आप धीमी आवाज में बोलने लग जाते हैं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, कृपया आप फिर से बोलिए। और ऐसा ऐसा चलता जाता है। फिर मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास आइए, नजदीक आइए। मैं दो बार तीन बार ऐसा करता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं, मैं फिर रहने देता हूँ। यद्यपि मैं आपको सुनता हूँ, लेकिन कभी कभार बिल्कुल नहीं सुन पाता। कभी कभार मैं थोड़ा सा आधा ही सुन पाता हूँ जो कुछ आप कहते हैं। कभी कभार मुझे दो तिहाई ही उसका सुन पड़ता है। समय छोटा होता है, कम होता है, इसीलिए मैं कह नहीं पाता आपको कि आप फिर से कहिए जो आपने कहा। मैं आपको सुन नहीं पाता, समय तेजी से निकलता जाता है। मैं दो बार पूछता हूँ, तीन बार पूछता हूँ, लेकिन अगर नहीं सुन पड़ता तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि मैं बेहतर करता हूँ आपको सुनने की। यद्यपि मेरा सुनना बेहतर नहीं है, लेकिन मैं आश्चर्य में हूँ कि आपकी आवाज़ इतनी धीमी कैसे होती है जब आप मेरे सामने होते हैं। आप में से हर कोई, इसलिए मैं आपको नहीं सुन पाता। इसीलिए समस्या तब होती है जब मैं वेदी पर खड़ा होता हूँ प्रचार करने के लिए, आपकी गवाहियों को सुनने के बाद, क्योंकि मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाता, इसीलिए मैं गवाहियां नहीं दे पाता। लेकिन अगर मैं पूरी तरह से समझूं तो बिल्कुल वैसा ही मैं कहूंगा। लेकिन अगर मुझे केवल दो तिहाई या उसका एक आधा ही समझ आए, तो वो गवाही मैं नहीं दे सकता वैसे ही जैसे आपने कहा है। इसीलिए एक व्यक्ति जिसने मुझे अपनी गवाही बताई थी, मुझे लगता है कि मैंने उसकी गवाही थोड़ी अलग से बताई। कृपया समझें, ऐसा नहीं कि मैं इसे गलत कर रहा हूँ,
मैं इसे पूरे जोश के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कोई और तरीका है ही नहीं कि पूरी तरह से मैं आपकी गवाही अच्छे से बता सकूँ। उदाहरण के लिए मैं कुछ निर्देश देता हूँ कभी कभार किसी बात पर आपको ये बताते हुए कि इन बातों के साथ बाइबल के आधार पर निपटिए। यद्यपि मैं बहुत बार इसे कहता हूँ, लेकिन तो भी कुछ ऐसे कार्य करता है जो उसे अपने मन में नहीं रखते। उनमें से कुछ यहाँ तक कि याद भी नहीं रखते मैंने उन्हें क्या कहा है। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करना चाहते हैं, लेकिन वो पालन नहीं कर पाते क्योंकि वो उसे अपने मन में नहीं रख पाते। उन्हें वचन को सही से सुनना चाहिए, लेकिन वो भद्दे तरीके से सुनते हैं उनमें से काफ़ी, और फिर उसे परमेश्वर के वचन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और अंत में वो अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं और अपने ही शारीरिक विचारों के अंदर कार्य करते हैं। कुछ लोग कुछ इसी प्रकार के वातावरण में पले बड़े रहते हैं, इसलिए उनके अंदर संचार कौशल की कमी पाई जाती है। वे वास्तविकता में दूसरे लोगों के सोच विचार के तरीके या आचरण के तरीके को नहीं समझ पाते हैं। विशेष तौर पर आपको सावधानी से सुनना चाहिए जो कुछ मैं कहता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं समझते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते चाहे उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। मैं आसानी से आपको बताता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जो नहीं समझते। वो इसीलिए क्योंकि यह आत्मिक है। वे शारीरिक चीजें आराम से समझते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जो नहीं समझते जब मैं आत्मिक चीजें बताता हूँ। तो फिर कौन समझते हैं? वो जो आत्मा में आ गए हैं। यद्यपि वो अभी बच्चे ही है, लेकिन वो आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन वो लोग जो अभी भी शारीरिक है, उनके लिए मुश्किल है। संदेशों के साथ भी ऐसा ही है। नए विश्वासियों के लिए यह मुश्किल होता है जब मैं आत्मिक चीजों के बारे में प्रचार करता हूँ, लेकिन उनके लिए जो आत्मा में आ गए हैं, ये उनके लिए केक के समान है, यानी कि बहुत आसान है। इसलिए वे वास्तविकता में दूसरों को नहीं समझते हैं, और दूसरों के लिए उनके अंदर सामान्य विमर्श की कमी पाई जाती है। उनकी ऐसी करने की कोई मनसा नहीं होती, लेकिन तो भी दूसरों के साथ वो सहजता से नहीं कर पाते हैं। अपने ही अनुभव और सोच के अंदर वो सोचते हैं कि मुझे ये पसंद है, और मैं निश्चित हूँ कि वो भी मेरी तरह ही सोच रहा है, लेकिन उनकी सोच उचित नहीं होती। वे जिनके पास इस तरह की शरीर की कमियां होती हैं, संभावित तौर पर वो प्राण के नियंत्रण में होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके पास उनके चरित्र के ऐसे बहुत से कारक हैं जिसके ऊपर शैतान काम कर सकता है उन्हें बाधित करने के लिए कि वे सत्य को ना सुने। इसलिए आत्मा और संपूर्ण आत्मा में केवल तभी आप जा सकते हैं जब आप शरीर की ऐसी कमियाँ पूरी कर लेते हैं। हालांकि शरीर की इस प्रकार की कमियां आप अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकते हैं, आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताकत मिलती है। ऐसे भी मामले हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते चाहे कितना ही आप कोशिश ना करें। केवल तभी हो सकते हैं जब परमेश्वर आपका अनुग्रह, ताकत और परमेश्वर के सामर्थ्य दें। और इसे सामान्य रूप से करने के लिए सबसे पहले आपको परिश्रम पूर्वक परमेश्वर के वचन को सीखना सुनना है, और अपने आप को वचन पर रखकर देखना है, और आपको जोशीली प्रार्थना करनी है। फिर आप एहसास करने के योग्य हो पाएंगे कि आपको क्या जानना है और आपके पास क्या है और क्या आपको अपने शरीर और आत्मा में निकाल फेंकना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके बीते समय को याद दिलाएगा ताकि आप एहसास कर पाएं कि आपकी कमियाँ क्या है। आप कहते हैं कि पश्चाताप करने के लिए आपको अपने बीते पाप याद नहीं हैं। मेरे अनुभव में जब मैं प्रार्थनाओं में पुकारता हूँ, पवित्र आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा मुझे सब कुछ याद दिलाता है। वो चीजें जिन्हें आप पूरी तरह से भूल गए थे, पवित्र आत्मा आपको उन बातों को याद दिलाता है। वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जब पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता है, आप सब कुछ को पश्चाताप कर सकते हैं, सब कुछ को याद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा नहीं चाहता है कि परमेश्वर की संतान के पास पाप की दीवार हो। इसीलिए यदि पवित्र आत्मा की आप प्रेरणा पाएंगे तो आपके सारे बीते पाप आपको याद आएंगे। अपने माता पिता की जेब से पैसा चुराने के विचारों को आप सुन पाएंगे, और दशमांश के विषय में अपनी मम्मी से झूठ बोलने की बातें आप सुन पाएंगे कि आपने दशमांश दे दिया है लेकिन उसका आपने कुछ और ही खरीदा। आपको इस तरह से अपने हृदय से प्रार्थनाओं में पुकारना है। सिर्फ ये प्रार्थना करना कि मुझे पश्चाताप के लिए बीते समय के पाप याद नहीं है,
ऐसा कार्य नहीं होता है। जब आप सत्य के अनुसार जो चीज़ें नहीं हैं उनको एहसास करते हैं तो आपको बिंदु दर बिंदु छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर बदलना है। आपको बार 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 पवित्रात्मा की इच्छा का अनुसरण करना है। क्या कारण है कि आपको प्रार्थना करना है? वो ताकत प्राप्त करने के लिए, ताकि पवित्रात्मा की इच्छा का पालन कर सकें। आपके पास ताकत होनी चाहिए। ताकत को पाने के लिए आपको जोशीली प्रार्थना करने हैं, और जोशीली प्रार्थना करने के लिए आपके पास आत्मिक ताकत होनी चाहिए, शारीरिक ताकत नहीं। शारीरिक ताकत यहाँ पर मसला नहीं है। यदि आत्मिक ताकत आपको नहीं दी जाती है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आपके शरीर की अच्छी बनावट का प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं। आत्मिक ताकत वो आपके पास होनी चाहिए, इसलिए आपको जोशीली प्रार्थना करनी चाहिए कि ताकत पाएं और पवित्र आत्मा की इच्छा के साथ चल सकें। और साथ ही यह सत्य की सही समझ को पाना भी है। यदि आप वचन को शाब्दिक रूप से समझें या अपने रूपरेखाओं विचारों की रूपरेखाओं में समझें इन कमियों के साथ साथ, तो फिर आप सत्य के फिर से अनुचित रूपरेखाएं बना देंगे। तो फिर परमेश्वर के वचनों को सुनने का एक गलत प्रभाव पड़ जाएगा उन कमियों को दूर करने के लिए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सत्य का सही से इस्तेमाल करना है। हमें अपनी सीमा में परमेश्वर के वचन का अनुवाद नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन में छुपी परमेश्वर की इच्छा और हृदय को समझना है। जब हम परमेश्वर का वचन समझते हैं, परिश्रम पूर्वक इस तरह से हम अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी कमियों को एक एक करके पूरा कर पाएंगे, भर पाएंगे। और इस प्रकार से जब हमारे पास प्रभु के आचार विचार होंगे तो हम सुंदर व्यक्ति बन जाएंगे आत्मा और देह में। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले कुछ सत्रों में हम शारीरिक विचारों के बारे में सीखते आ रहे हैं। आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रीति से सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप नहीं सुन सकते? क्योंकि हम शारीरिक विचारों का अनुसरण करते हैं और शरीर की इच्छाओं के पीछे चलते हैं पवित्र आत्मा की आवाज़ का अनुसरण करने के बजाय। इन शारीरिक विचारों में भी हम शारीरिक विचारों को तीन अलग अलग स्तरों में श्रेणीबद्ध करते हैं, और इन तीन स्तरों में मैं उन शारीरिक विचारों के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्वयं के धार्मिक तौर रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, और वो भी विस्तार पूर्वक। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शारीरिक विचारों को ढूंढना इस स्तर पर स्वयं से बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रीति से सुनने के लिए हमें अवश्य ही उन्हें ढूंढना चाहिए और नाश करना चाहिए। और उन्हें दूर करने का तरीका है अपने स्वभाव में और अपने विवेक में छुपी हुई बुराई को ढूंढना और उसे निकाल फेंकना। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हृदय के हर कोने को जांचें, ताकि परमेश्वर के द्वारा क्या भले हृदय के लोग हैं पहचान पा सके। प्यारे भाइयों और बहनों, शारीरिक विचारों में जो स्वयं के धार्मिक तौर रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, उसमें ऐसे शारीरिक विचार होते हैं जो किसी व्यक्ति के मिजाज और व्यक्तित्व से उत्पन्न होते हैं, जो उसके हृदय की गहराई के स्वभाव में छिपे रहते हैं। और क्षणिक शारीरिक विचार भी होते हैं जो छोटे छोटे असत्यों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए यद्यपि आप कोशिश करें शारीरिक विचारों को दूर करने के लिए, तो भी छोटे छोटे असत्य आप में होते हैं और शारीरिक विचार आप में उत्पन्न होते हैं। और ऐसे शारीरिक विचार भी है जो आपके अच्छे वातावरण से ढके रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एहसास नहीं करते हैं शरीर की कमी, और ये सोचते हैं कि वो अपने मसीह जीवन में उचित है। मैं आपसे शारीरिक विचारों के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्वयं की धार्मिकता और भलाई की रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं। स्वयं की धार्मिकता और भलाई की रूपरेखाएं तब उत्पन्न होती है जब आप सत्य के वचन को अपने ही तरीके से अनुवाद करते हैं और किसी बात को गलत या सही अपने तरीके से समझते हैं, और फिर उन विचारों को कठोर बनाते हैं, ठोस बनाते हैं। विशेष तौर पर हमारे पास्टर्स, एल्डर्स और कार्यकर्ता, कृपया आप इसे मन में रखें। ज्यादातर मामलों में आप एहसास नहीं करते कि यह दोषपूर्ण रूपरेखाएं हैं, क्योंकि आपने इस तरह की रूपरेखाओं को परमेश्वर के वचन से बनाया है जो आपने सीखे है। सत्य की रूपरेखाओं के आधार पर ये बनाए गए हैं। आप एहसास नहीं करते कि यह गलत है, और इसे भी बढ़कर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर आपके विचार इस तरह की रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, और फिर आप अपने सुझाव से और भी तसल्ली पाते हैं। भविष्य बताने वाले वो काफी उचित हो सकते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए वो 10 बार आपका भविष्य बताते हैं, कम से कम कुछ बार तो वो सही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम वही है। वो लोगों के मन को किसी ना किसी सीमा तक पढ़ सकते हैं सिर्फ उन्हें देखने के द्वारा। ये स्पष्ट है
क्योंकि लोगों के पास समस्या होती है। अगर समस्या नहीं होगी तो कोई नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी सी बातचीत करने के द्वारा वो जवाब दे सकते हैं। यदि वे थोड़ी सी बात करें तो वो उनकी स्थितियों को आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि आपके पति के साथ संबंध, क्या आप अमीर है या गरीब है, क्या आप बीमार हैं या नहीं है, किसी न किसी सीमा तक वो समझ जाते हैं और फिर वो आपको उत्तर देते हैं जो ऐसा लगता है कि उचित है। परमेश्वर के वचन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग करके आपने अपनी रूपरेखाओं को तैयार किया और उनमें से कुछ गलत है, कभी कभार वो ठीक होते हैं, इसलिए आप अनुमान लगाते हैं कि आपकी रूपरेखाएं उचित है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये प्रत्येक की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आपने 10 लोगों को सम्मति दी जो एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन तो भी प्रत्येक को जो उत्तर मिलता है वो अलग अलग हो सकता है, एक ही प्रकार का उत्तर नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति को आपने इस तरह से कहा और उस तरीके से दूसरे व्यक्ति को कहा। ये प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार होता है, पहला, दूसरा और तीसरा इसके अनुसार। चौथे स्तर के व्यक्ति को परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो भी है। अक्सर ऐसा होता है और लोग मुश्किल में आते हैं क्योंकि आप गलत परामर्श देते हैं, और जब समय गुजरता है तो कुछ लोग उन समस्याओं के साथ मेरे पास आते हैं परामर्श लेने के लिए। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा परामर्श दिया गया लेकिन नतीजा ये हुआ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि परामर्श किस तरह का था और किससे आपने परामर्श लिया। ज़्यादातर मामलों में हमारे सदस्य पास्टर का नाम नहीं लेते, जिसकी वजह से वो भटक गए अपने पास्टर को सुरक्षित रखने के लिए। अगर वो उत्तर नहीं देते फिर मैं उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उन्हें असुविधा महसूस होती है। वो कोशिश करते हैं अपने पास्टर को सुरक्षित रखने की, और जब मैं उनसे बात करता हूं तो अक्सर गलत परामर्श सामने आते हैं। ये अक्सर होता है और वास्तविकता में चीजें गलत जाती हैं, वो उस गलत परामर्श की वजह से होता है। कभी कभार मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने एक परामर्श दिया जो उसे नहीं देना चाहिए था, कुछ मामलों में आपको दूसरों के निर्णय के ऊपर छोड़ना है कि आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त कीजिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं चीजें उससे कहीं अधिक होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अपना परामर्श दे तो समस्या उठ खड़ी होती है। पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से सुनने के लिए हमें अवश्य ही उन्हें ढूंढना चाहिए और नाश कर देना चाहिए, और उन्हें नाश करने का तरीका है अपने विवेक और स्वभाव में छुटे हुए बुराई को ढूंढना और उन्हें निकाल फेंकना। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हृदय के हर कोने को जांचें, ताकि परमेश्वर के द्वारा पहचान पा सके कि आप सचमुच भले हृदय के लोग हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलिसियाओं में और स्थानीय कलिसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानविन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो, पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं, तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं, तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें, वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो, पिता कोई दाग वहां ना रह जाए, तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ, पिता मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की, पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो, बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो, दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए, पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं, वो भले स्वस्थ में बने रहे, जब उनका प्राण समृद्ध होता है उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाए, कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा, विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए, उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी, अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।